हेलो गेमर, आप सभी का स्वागत है गेम फिल्म के चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले गाइस मैप में कौन कौन सी जगह 3D चेंजेस में कन्वर्ट हो चुकी है। गाइस, बहुत दिल से बुरा लग रहा है मैप में, मतलब इतना सारा चेंज हो रहा है। गाइस, हमारा जो बरमूडा मैप है उसको पूरा 3D लुकिंग कर दिया गया है। मतलब यार, मैं क्या ही बोलूँ गाइस, मतलब इतना दुख की बात लग रही है। हमारी इतनी सारी यादें थी इस मैप से, लेकिन गाइस ये पूरा सब कुछ चेंज कर दिया है करीना ने, फैक्ट्री से लेकर सब कुछ चेंज कर दिया। यहां पर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। साथ में गाइस, आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आखिरी बार अपडेट में गोल्ड में कैरेक्टर कौन सा आया था, क्योंकि गाइस यहां पर आप सभी को तो पता ही होगा, मेरे को जहां तक लगता है गाइस दो बार अपडेट आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई कैरेक्टर गोल्ड में नहीं आया है। और इस बार ज्यादा चांसेस थे गाइस टीचर लोग गोल्ड में आने के, लेकिन गरीना ने शायद ये भी नहीं दिया है। तो आप सभी यार, क्या राय है आपकी कि यार डीजा लोग गोल्ड में आएगा कि नहीं आएगा? अगर गरीना ये चीज नहीं देता तो गरीना को घोर पाप लगेगा अगर डीजा लोग गोल्ड में नहीं देता है तो। और यहाँ पर जो बरमूडा मैप पे इतना सारा चेंजेस हो रहा है, 3D लुकिंग दिया जा रहा है, तो इस चीज़ से यार आपको क्या लगता है गाइस? आप मतलब इस चीज़ से सुन के खुश हो कि दुखी हो यार, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दिल से गाइस, क्योंकि यार यहाँ पर मेरी कितनी सारी यादें थी, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, फैक्ट्री पर आता था और बहुत तबाही मचाता था। लेकिन गाइस यहाँ पर देख सकते हो पूरा क्लॉक टावर चेंज कर दिया है, आस पास घास लगा दिए, नीचे मार्बल की फर्श लगा दी है, या फिर सीमेंटेड फर्श भी बोल सकते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर सीढ़ी को कितना एनिमेटेड कर दिया गया है, मतलब सब कुछ चेंज कर दिया गया है। मतलब एक भी चीज गरीना ने नहीं छोड़ा है। हमारी जो क्लॉक टावर की दीवारें थी उस पर भी घास लगा दी है, देख सकते हो घास पे घास कर दिया है। और जहां पर देख सकते हो हमारा जो घर था क्लॉक टावर का मिडल घर, उसको कितना क्वालिटी वाइज देख सकते हो, कितना 3D बना दिया है इन लोगों ने, मतलब क्या ही बोला जाए। और गाइस सामने देख सकते हो हवा महल कैसा लग रहा है, मतलब सीमेंटेड गाइस क्या कचप का लग रहा है। और नीचे घास देख सकते हो, तो सामने एनिमी उसको मार देते हैं, चलिए एक ही बार में खत्म कर दिया एनिमी को। अभी देख सकते हो गाइस यहाँ पर कितना सारा चेंज कर दिया गया है गरीना ने, जितनी बाउंड्रीज थी उन सभी को घास जैसा बना दिया है और बहुत ही अच्छा लुकिंग दे रहा है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है दिल से सही में, यहाँ पर हमारा जो टेनिस कोर्ट था उसको कितना हरा और भरा कर दिया है, मतलब क्या ही यार, क्या बाउंड्री भी गायब कर दी, कॉर्नर की जो दीवारें थी हमारे जो टेनिस कोर्ट की जो जालियां थी उसको भी गायब कर दिया और पूरा खुला कर दिया, देख सकते हो कॉर्नर से। तो यार देख सकते हो यहाँ पर फुटपाथ नहीं था, फुटपाथ बना दिया, एक दीवार खड़ी कर दी और अलग से यार, मतलब पूरा 3D लुकिंग दे दिया है क्लॉक टावर को। क्लॉक टावर तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा है। आप सभी को क्लॉक टावर कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं जितनी जगह दिखाऊंगा ना गाइस आप सभी बताना सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लग रही है। तो यहाँ देख सकते हो घरों में थोड़ा बहुत टेक्स्चर चेंज कर दिया गया है, फर्श थोड़ा चेंज है, और यहाँ पर गाइस बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है गरीना ने। और देख सकते हो अभी हम यहाँ पर टुक टुक ले लेते हैं और टुक टुक की स्पीड बढ़ा और हम आ चुके हैं पीक पे गाइस। और पीक को तो गाइस मतलब क्या गजब का पीक लग रहा है, मतलब पीक तो लग ही नहीं रहा। ये तो हवा महल गाइस देख सकते हो, यहां पर हवा महल पे फुटपाथ बना दिया, कॉर्नर में फुटपाथ बना दिया, बाउंड्रीज देख सकते हो कैसी बाउंड्रीज कर दी है, मतलब पूरा परगेटरी जैसा थोड़ा थोड़ा इसको लुकिंग दिया है। कसम बताओ गाइस यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा जो पीक था प्यारा पीक यार वो थोड़ा अच्छा दिखता था इससे, अभी इसको थोड़ा अलग ही बना दिया, 3D बना दिया, थोड़ा अलग लग रहा है और मेरे को मतलब पसंद नहीं आ रहा है और पसंद आ भी रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब दोनों चीज़ लग रहा है, पसंद आ भी रहा है और पसंद नहीं भी आ रहा है। अब इस पर खेलने पर ही पता चलेगा गाइस कि कैसा लगेगा। यहाँ पर मेरा जो गेम प्ले है उसमें मुझे तो सही लगा है, लेकिन गाइस थोड़ा बहुत बेकार भी लगा है, क्योंकि मुझे पुरानी पीक की बहुत याद आ रही है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर भी बाउंड्री कर दी है इस टावर के ऊपर, और यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत कुछ चेंज कर दिया गरीना ने। और हमारा जो पीक का जो महल हुआ करता था उसको भी थोड़ा बर्बाद कर दिया, यहाँ पर एक एनिमी है इसको मार देते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर हमारे 6 किल हो चुके हैं, और हम जब किल कर रहे हैं ना गाइस तो उसका जो डैमेज का जो वो आता है ना वो भी थोड़ा चेंज कर दिया गया यहाँ पर, मतलब कि हमारा जो हेडशॉट वाला चीज़ है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। अभी देख सकते हो यहाँ पर अभी मैं मारूंगा और देखना अभी हेडशॉट मारेंगे ना जब गाइस अभी इसको पूरा ख़त्म करेंगे, तो इसमें जो किल का जो आता है ना उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ से निकल लेते हैं पहली फुर्सत में और आ चुके हैं हम फैक्ट्री पे गाइस। अब फैक्ट्री में क्या क्या चेंज है गाइस, सबसे मेन चीज़ गाइस फैक्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट्री की जो फर्श है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अंदर से देखते हैं अंदर से क्या चेंज है, तो अंदर से यार थोड़ा बहुत फर्श में चेंज है और कुछ ज़्यादा खास तो चेंज नहीं है। और अभी ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ कुछ चेंज है कि नहीं है देखते हैं, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं लग रहा है फैक्ट्री पे। अभी गाइस ये हवा महल देख सकते हो जो क्लॉक टावर और फैक्ट्री के बीच में था उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, घासें लगा दी देख सकते हो चारों तरफ। और ये कौन सी घास है, अरे भाई सब गजब के फूल लग रहे हैं और कतई गजब लग रहे हैं, मज़ा आ गया सही में इसको देख के। तो अभी यहाँ से हमने पूरा मतलब अभी आधा बरमूडा हमने पूरा आपको दिखा दिया है, अभी आधा बरमूडा और बचा उसको भी मैं दिखाया था। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ फोटो लगा दी गई है,
तो इसको भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर हमारा पोचिनो, गाइस पोचिनो को तो पूरा चेंज कर दिया गया है। मेरे भाई अगर आपको ये अपडेट अच्छा लग रहा है, दिल से सही बताओ तो गाइस अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री फायर से रिलेटेड हर एक अपडेट, न्यूज, इवेंट्स और सब कुछ लाता रहता हूँ गाइस। तो प्लीज यार ये काम जरूर से जरूर कर देना। आप देख सकते हो पोचिनो के घर में गाइस मार्बल किस तरीके से लगा हुआ है, देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस ब्लैक एंड व्हाइट में मार्बल है घर के अंदर, आप देखिए तो जरा देख के यार चमक जाओगे। तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा चेंज कर दिया गया है। अभी गाइस मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ घर, तो ये देख सकते हो गाइस पोचिनो का घर कितना गजब का लग रहा है। और यहाँ पर एनिमी आ चुका है तो इसको हम मार देते हैं। और यहाँ पर एक एनिमी और हमने खत्म कर दिया, वीएसएस से खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर गाइस बहुत कुछ अच्छे से चेंज कर दिया गया पोचिनो को भी। मुझे मतलब यार मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन लग रहा है ना गाइस इस चीज़ को देख के कि यार गाइस हमारा जो बरमूडा मैप था बहुत प्यारा मैप लगता था मुझे, उसको पूरा चेंज कर दिया गया है। मिस यू बरमूडा यार कमेंट में आप सभी लिख देना। यहाँ पर आप देख सकते हो लाल कलर की फर्श कर दी गई है और यहाँ पर टायर्स भी रख दिए गए, बहुत सारे टायर्स हैं। और दीवारों पर गाइस कुछ फोटोज लगा दिए गरीना ने जो कि बहुत ही अच्छी और यूनिक लग रही है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने आपको पोचिनोक दिखा दिया, अभी मैं आपको यहाँ पर बीमा शक्ति भी दिखाऊंगा और इसके बाद गाइस ऑब्जर्वेटरी में जो चेंजेस है उसको भी दिखाऊंगा और यहाँ पर जो हाइड्रो प्लांट लगा है उसको भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। घर को देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा शानदार घर बना दिए, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुकिंग दे रहा है। हो सकता है इस अपडेट में गाइस 1GB और 2GB रैम वालों के लिए दिक्कत आ जाएगा। तो ये बीमा शक्ति हमारा देख सकते हो गाइस, बीमा शक्ति को तो पूरा ही गजब का बना दिया है, मतलब हर एक घर पहचान भी नहीं आ रही यार बीमा शक्ति के घर। ये सारे देख सकते हो कितना गजब का लग रहा है, बीमा शक्ति बिल्कुल 3D लुकिंग दे रहा है। और यहाँ पर गाइस कितने सारे बंदे उतरे हैं तो अभी मैं आपको पूरा धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ। तो अभी गाइस चिमनी देख सकते हो, चिमनी में भी बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। तो चिमनी से पहले हम कतुलिस्तिवा दिखा देते हैं और उसके बाद गाइस आपको वापस दिखाएंगे आगे क्या क्या चेंजेस है। तो गाइस कतुलिस्तिवा को भी देख सकते हो गाइस गजब का चेंज कर दिया गया, मतलब हर एक लोकेशन को चेंज कर दिया गया है, गरीना ने पूरा का पूरा परमुडा मैप को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे भाई आगे मैं आपको दिखाता हूँ कतुलिस्तिवा के बाद ग्रेवयार्ड और इसमें क्या चेंज किया गया। ग्रेवयार्ड की जगह गाइस अकेडमी आ चुका है तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस अकेडमी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर गाइस कुछ गजब की बिल्डिंग दिख रही है अकेडमी में जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर एक टावर भी है जो कि बहुत ही सही लग रहा है, देख सकते हो गाइस अकेडमी को तो पूरा ही अलग बना दिया है, बहुत ही अलग, मतलब यार समझ नहीं आ रहा कि ये फ्री फायर का बरमूडा मैप है, गजब का लग रहा है देख सकते हो। और बीच में गाइस पानी भी है इसमें, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा यार, ये स्टैचू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें पानी मुझे बहुत सही लगा है। और अभी आगे आपको दिखाता हूँ आगे और क्या क्या चेंजेस है गाइस जो कि बहुत ही ज़्यादा गजब का बनाता है इस मैप को। लेकिन यार मुझे यार अपने पुराने मैप की याद आ रही है क्योंकि ये आज लास्ट दिन है गाइस, हमारे जो पुराना मैप है उसका लास्ट दिन है। उसके बाद गाइस ये वाला मैप आपको देखने को मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए और कभी आप उस पीछे वाले मैप में नहीं जा पाओगे। अभी आपको यहाँ पर एक और लोकेशन दिखाने वाला गाइस, जल्दी से हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और फटाफट से वो लोकेशन भी दिखाए तो जो लास्ट लोकेशन बची है जो कि यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा बीमा शक्ति की चिमनी गाइस, इसको तो गजब का बना दिया है। अब देखो गाइस इस पर जाने में और ज़्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर सामने एनिमी, इसको मार देते हैं, चलिए मार दिया। अभी गाइस देख सकते हो यहाँ पर पूरा खुला बना दिया बीमा शक्ति चिमनी को और ऊपर आप आराम से चढ़ सकते हो, कैंप कर सकते हो। तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा गजब का लग रहा है लेकिन यार बुरा भी लग रहा है दिल से। और यहाँ पर गाइस बहुत कुछ चेंज कर दिया गरीना ने। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना यार, बिल्कुल यार भूलना मत। तो यहाँ पर एक और एनिमी और इसको भी हमने मार दिया और ख़त्म कर दिया, बहुत सारे किल कर लिए गाइस, 6-7 किल कर लेंगे, चलो बढ़िया है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। तो हैव अ नाइस डे।